नमस्कार, चलिए आपके फॉर्म का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपके फॉर्म बताते हैं? सबसे पहले आपके फॉर्म का कलर देखूंगी प्लस शेप, क्योंकि आपके बेसिक नेचर को बताते हैं। और आपके हथेली में जो चिन्ह है, रेखाएं हैं, वो टाइम टू टाइम आपके कर्म के अनुसार बदलती रहती है। बट बेसिक नेचर मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद फिर मैं चिन्हों पे और रेखाओं पे पर्वतों पे आऊंगी। तो आपकी फॉर्म की जो कलर है, पिंक मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ी सी पिंक है, ज्यादा पिंक नहीं है। और कहीं कहीं मुझे हल्का हल्का यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल्का सा, अगर आपने कुछ लगाया नहीं है तो हल्का नीलापन जैसा दिख रहा है। बट यदि नीला है तो फिर ये थोड़ा सा आपको हार्ट संबंधित डिजीज को इंडिकेट करता है। बट अगर नीला नहीं है, किसी तरह पिंक में आ गया है, तो फिर कोई बात नहीं, वैसे हथेली आपकी पिंक है। तो पिंक जो हथेली होती है, बहुत अच्छे धन को अट्रैक्ट करने वाली होती है, अच्छे स्वास्थ्य को बताती है। दूसरी चीज, आपकी हथेली को देखा जाए तो ये ज्यादा ना बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, सामान्य है। तो जब भी सामान्य हथेली होते हैं तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा एडजस्टेबल होते हैं। किसी भी वातावरण में तत्काल परिस्थिति को समझ के उस अनुसार कैसे एडजस्ट करना है, इन्हें भली बात ही पता होता है। तो काफी एडजस्टेबल नेचर के होते हैं। प्लस इन लोगों में व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है, संघर्षशील बहुत ज्यादा होते हैं और ये अपने जीवन में सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ते हैं अपने संघर्षशील के कारण। ये लोग स्वास्थ्य के काफी धनी होते हैं, परिस्थिति के अनुसार बनने की अद्भुत क्षमता होती है। सामान्य हथेली का ये खासियत होता है। और देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई जब इस तरह से देखेंगे हथेली की, ये चौड़ाई यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं और लंबाई, ठीक है, बिल्कुल बराबर दिखता है। तो ऐसे जाता का नेचर जो होता है बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, सबल होते हैं, शांत होते हैं, काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। और जीवन काल में आप लोग स्वयं अपने प्रयत्नों के माध्यम से उन्नति करते हैं और किसी भी कार्य को आप लोग तब तक प्रारंभ नहीं करते होंगे जब तक उसकी सफलता की फुल गारंटी आप लोगों को नहीं हो जाती होगी, तब तक आप कोई कार्य को पूरा नहीं करते होंगे। तो ये हो गई आपकी हथेली की शेप। अब अगर एलिमेंट के तौर पे देखें हथेली पे, क्योंकि वो भी आपकी नेचर को ही बताती है, एक्चुअल आपकी जो बेसिक नेचर क्या है इस चीज को बताती है। तो आप देख पा रहे होंगे अपने हथेली को इस प्रकार से, देखिए लंबाई और चौड़ाई लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। और इस फिंगर से हम लोग मेजर करेंगे तत्व के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये हो गई आपकी अर्थ एलिमेंट की हथेली, यानी कि आपकी पृथ्वी तत्व की हथेली है। तो पृथ्वी तत्व की हथेली की क्या क्वालिटी होती है कि आप लोग लाइफ में काफी फेथफुल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, संतोषी होते हैं, नेचर के करीब रहना आपको पसंद होता है, गंभीर होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, ईमानदार होते हैं और ऐसे जातक का आईक्यू काफी अच्छा होता है और अपने इमोशंस को आप लोग जाहिर नहीं करते होंगे। अब आपकी फिंगर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर, देखिए गुरु की फिंगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से कर्व लेके शनि की फिंगर की ओर जा रही है। तो ये क्वालिटी आप में होती है, ये धार्मिकता को बताती है, अच्छे धार्मिक आप होंगे। दूसरी चीज, आप अगर इस तरह से मेजर करें तो आपकी गुरु की फिंगर ज्यादा लंबी है। तो गुरु की फिंगर जब ज्यादा लंबी हो जाए तो ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होते हैं, काफी लाइफ में एम्बिशियस होते हैं और ऐसे जातक किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए तो ये लोग काफी अच्छे से निभाते हैं, जिम्मेदारी को लेने में सक्षम होते हैं, एक तरह से अच्छे होते हैं जिम्मेदारी के मैटर में। प्लस इन लोगों को गुरुओं का कृपा होता है, हमेशा अपर पोस्ट का साथ मिलता होगा और अच्छी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा को भी दिखाता है, अच्छे संतान अच्छे दंपत्ति सुख को बताता है। तो गुरु आपका ओवरऑल अच्छा है। अब दूसरी आई है शनि की फिंगर। देखिए शनि की फिंगर आपकी लंबी है, शनि की फिंगर इतनी अच्छी हो, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये आपके लाइफ में बैलेंस का काम करता है, क्योंकि ये बीच में, इसका स्थान भी बीच में है तो ये बैलेंस रहेगा। देखिए कभी कभी जैसे गुरु आपको ज्ञान देता है लेकिन आप में जो संस्कार जो होते हैं ना, उस ज्ञान को कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, ये आपको शनि की फिंगर देती है, जो कि आपकी शनि की फिंगर है बहुत अच्छी। ये गुण आप में कमी नहीं होगी। प्लस थोड़ी सी यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लंबी है देन इससे, तो इस चीज आधा इंच होगा ना, तो इस तरह से यदि हो तो ऐसे जातक में थोड़ा सा मिस्ट्रिक साइंस के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जो गुप्त विद्याओं के प्रति, जैसे पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक। और एक चीज और प्लस पॉइंट है, देखिए आपकी हथेली में बहुत सारी खड़ी लाइन है, तो ये काफी फ्रेंडली नेचर को, काफी एडजस्टेबल नेचर को बताता है। ऐसे जातक दुश्मनों की संख्या बहुत कम होती है। देखिए दुश्मन अगर आप आगे बढ़ते हो तो दुश्मन तो होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इतनी सारी खड़ी लाइन है। ये बहुत अच्छी फ्रेंडली नेचर को बताता है, एडजस्टेबल को बताता है, रिश्तेदारों के साथ आपकी अच्छी निपटती हो। अब देखिए यूनिक आपका है, ये शतरंज की गोली के समान है। प्लस क्या है ना, आपको इस तरह से इधर को मुड़ी हुई है तो ये आपको हर प्रकार से रोगों से दूर रखेगा, निरोगी बनाएगा, ठीक है, ये कर्व होने का मतलब। प्लस इस तरह से यदि फिंगर हो
तो ऐसे जातक में मैं अच्छे से बोल सकती हूँ यश, मान सम्मान, क्रिएटिव टैलेंट भरपूर मात्रा में रहती है और मिलती है लाइफ में। ऐसे जातक अपने क्रिएटिव टैलेंट की बदौलत काफी आगे जाते हैं, काफी लाइफ में नेम फेम गेन करते हैं, तो इस चीज को दिखाता है। सन आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सन की फिंगर हाँ भले इससे छोटी है, तो ऐसे जातक अपना काम कैसे, मुझे अपना एम कैसे प्राप्त करना, ये चीज इनको भली भांति आता है और ये अपना एम अपना गोल को प्राप्त करके ही रहते हैं, चाहे उनके लिए थोड़ा सा अपने स्वाभिमान को साइड भी करना पड़े तो कर लेंगे, बट ऐसा होता है। आइए आपकी बुध की फिंगर, तो देखिए बुध की फिंगर भी आपकी अच्छी है, ऐसा नहीं कि लेंथ में छोटी है, ठीक है लेंथ में आपकी ठीक है, तो बुध की फिंगर आपकी अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, मार्केटिंग स्किल अच्छा होगा, आप में प्रेजेंटेशन हो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या है ना, हल्की सी, देखिए हल्की सी छोटी, ज्यादा मैं नहीं बोल रही हल्की, तो ये क्या बताता है ना, थोड़ा सा स्वभाव में शर्मीलापन होगा, थोड़ा सा कोई चीज जो है ना आप खुल के नहीं बोलते होंगे, खुल के किसी भी तरह का खुल के नहीं बोलते होंगे, बस एक ही जगह थोड़ा आप मिस करते होंगे, अदरवाइज आप में किसी तरह की स्किल की कोई कमी नहीं होगी, लॉट्स ऑफ आइडियाज रहते होंगे, मार्केटिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन होगा बहुत ही अच्छा प्रेजेंट करते होंगे, प्लस पैसे को संभाल के रखना है, दस्तावेजों कागजों को कैसे संभाल के रखना है तो आपको अच्छे से पता होता है ये चीज, तो ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी फिंगर है। अब ये दूसरी फिंगर अंगूठा, जब अंगूठा को आप देखते हैं तो ये लेंथ में बहुत अच्छी लेंथ में है, तो ये दृढ़ निश्चय को बताता है, प्लस मुझे लगता है आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है, अभी तो इस पिक में नहीं दिख रहा है बट आप अंगूठा को फैला के देखें तो आई थिंक आपको बन रहा होगा, तो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, थोड़ा सा इगोस्टिक नेचर को बताता है, डायनामिक पर्सनैलिटी होते हैं ऐसे जातक का, प्लस ऐसे जातक का दृढ़ निश्चय, जो सोचा वही किया, अटल रखना अपने बातों पर, प्लस पहला पोरवा और दूसरा पोरवा आप देखें तो बिल्कुल बराबर है, जो कार्य को आप सोचते हैं उसको करते हैं, लॉजिक के साथ कोई कार्य को रूप देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, हर चीजों में तर्क वितर्क करना आपको अच्छा लगता होगा, तर्क वितर्क के साथ ही उस चीजों को आप एक्सेप्ट करते होंगे। दूसरी चीज, आपका पहला पोरवा दूसरा पोरवा जब बराबर हो जाता है तो ऐसे जातक जो सोचते हैं लॉट्स ऑफ आइडियाज होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और सबसे अच्छी साइन जो है एक जो प्लस साइन है ये यव, इतना अच्छा आंख का साइन बनना ये मामूली बातें नहीं होती, ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। ऐसे जातक को लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरी चीज, ये लोग सिक्स सेंस इन लोगों को काफी एक्टिव होता है और इन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल भी उतने ही बड़े लेवल का होता है, और बहुत ही निम्न फैमिली से भी ये लोग काफी ऊपर तक काफी उच्च पोस्ट को प्राप्त करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ये लोग ना अपना खर्चा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, थोड़ा सा लोगों के का ख्याल रखते हैं कि मुझे किस तरह से खर्च करना है ताकि लोग हमें समझें, इस तरह से थोड़ा सा प्रवृत्ति आ जाती है। बट यब का साइंस आपके सिक्स साइंस को एक्टिव करता है, 35 के बाद गजब का आपको सक्सेस मिलेगा, ये चीज है यब का साइंस, बहुत ही शुभ संकेत है ये। अब आइए आपके पर्वतों का विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले आपके गुरु माउंट, आपका गुरु माउंट देखिए सबसे स्पिरिचुअल, सबसे बड़ा स्पिरिचुअल साइन मुझे यहाँ पे दिखा, दूसरा क्या यहाँ पे रिंग ऑफ सोलोमन लगभग लगभग बन रहे हैं, पूरे नहीं बन रहे हैं बट थोड़ा बन रहे हैं, थोड़ा सा बीच में यहाँ पे कट है ना, यहाँ पे थोड़ा कट हुआ है बट बन रहे हैं, तो जब भी रिंग ऑफ सोलोमन बनते हैं तो ऐसे जाकर थोड़ा धर्म कर्म पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, सिक्स सेंस तो एक्टिव होता ही होता है। दूसरी चीज, ये लोग दान वगैरह करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो आपका गुरु पर्वत अच्छा है और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है जो कि ये आपको मल्टीनेशनल फेम देता है, बहुत अच्छा फेम देता है, बहुत कुशार माइंड बताता है, अपने ज्ञान के बदौलत अपने टैलेंट के बदौलत ऐसे जातक सक्सेस होते हैं, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से काइट का फॉर्मेशन बना के इस प्रकार से इस धर को आया है। तो देखिए काइट का मतलब ही होता है कि एक देश से नहीं, जातक अपने देश से दूसरे देश में भी अपना झंडा गाड़ना, अपना परचम लहराना, अपना नाम को बहुत ज्यादा प्रचलित करना, विख्यात होना, इन सभी चीजों को दिखाता है, तो ये बहुत ही अच्छा सिंबल है। लेकिन एक चीज मैं देख पा रही हूँ आपके इस पर्वत को, कहीं मुझे क्रॉस वगैरह नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है मुझे दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी होता है ऐसे जातक को, अगर क्रॉस यहाँ पे नहीं दिखा, अक्सर आपको क्रॉस दिखता है बट यहाँ पे नहीं दिखता है, बट आगे देखते हैं और कहीं कुछ प्लस साइन मिल जाए। और देखिए यहाँ पे इस तरह से देखे तो इस तरह से धनुषाकार भी आकृति थोड़ा सा बन रहा है, तो ये आपको अच्छे विवेक को ही दिखाता है, ऐसे जाता है के पास बहुत अच्छा विवेक होता है और कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करके आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अच्छे से पता होगा, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को ये लोग तुरंत से एक तरह से झपट के उसको लेके आगे बढ़ने वाले होते हैं।
एम्बिशियस नेचर के होते हैं। बाकी आपका गुरु पर्वत अच्छा है। दूसरा चीज आइए आपका शनि पर्वत। देखिए शनि पर्वत आपका बहुत अच्छा है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, देखिए शनि पर्वत ये लाइन तो अच्छी है, बट ये क्या ये फिंगर पे जा रही है, ये थोड़ा निगेटिव है। यदि इस तरह से फिंगर पे अगर जा रही है तो ये निगेटिव है, आप में निगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते होंगे। दूसरी चीज अकेला रहना आपको पसंद करता होगा। आप कोई भी चीज निगेटिविटी को दूर रखें अपने से, किसी तरह की निगेटिव थॉट्स अंदर में मत लाने दें, आने दें, क्योंकि ये फिंगर की ओर जा रही है, ये सही इंडिकेशन नहीं है। तो आपको निगेटिव नहीं होना, लाइफ में आपको बहुत कुछ दिया है, लाइफ में बहुत कुछ आपको होना है, अच्छाई वे में, पॉजिटिव वे में, तो आपको निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, अकेला नहीं। बाकी शनि का पर्वत अच्छा है तो वसीयत वगैरह धन वगैरह का तो कोई कमी होगा ही नहीं आपको, बस आपको देखना है धन को गलत जगह यूज नहीं करना है, अपने आप को निगेटिव नहीं होने देना है। सूर्य माउंट, सूर्य माउंट आपका बहुत अच्छा है। एक ये लाइन है ऊपर से, एक ये लाइन है, और बहुत अच्छा फिश का साइन का फॉर्मेशन बन रहा है इस प्रकार से। देखिए सन माउंट पे यदि फिश का साइन बन जाए तो ये काफी अच्छा होता है। मल्टी मिलीनियर बनने का साइन एक तो आपको यहाँ से दिख गया, दूसरा यहाँ से दिख गया। लेकिन देखिए सूर्य माउंट पे यदि फिश हो तो ये थोड़ा आपको लेट सक्सेस देता है, नो डाउट, बट सक्सेस बहुत बड़े लेवल का देता है। आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत छोटी चीज हो जाती है, ये बहुत ही छोटी चीज हो जाती है आपके लिए, इसीलिए ये चीज आप देखें। हाँ लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना, इसी फीस के साइंस थोड़ा सा क्रॉस हल्का सा बन रहा है, तो आपको बस अपने नाम को थोड़ा अच्छे वे में यूज करना है, किसी तरह का ऐसा काम नहीं करना है कि बदनामी हमारे को मिल जाए। बाकी आपका अगर फीस का साइन है तो ये मल्टी मिलीनियर साइन है, छोटी मोटी फीस नहीं है, उसमें बड़ी फीस है। इतनी बड़ी फीस हो जाए तो ऐसे जातक को तो कुछ कमी होता ही नहीं, नाम देश विदेश में भी ऐसे जातक अपना काम शुरू करते हैं और मल्टीपल काम करते हैं, मल्टी लेवल का काम करते हैं, मल्टी नेशनल सिटी में वर्कर होता है इन लोगों का। प्लस यहाँ भी दो लाइनें, एक नहीं एक से अधिक तरह का इनकम को बताता है, प्लस ये लाइनें यहाँ से आ रही है, तो ये हो गया अच्छे व्यापार की बुद्धि, अच्छे बुद्धि को ही दिखाता है, राजयोग एक तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, बुद्ध आदित्य योग का भी निर्माण आपके हथेली में हो रहा है, क्योंकि ये लाइन देखें इस प्रकार से है और इधर से ही चल के इधर को लाइन गई है, प्लस यहाँ से इन दोनों का कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से भी कनेक्शन बन रहा है, यहाँ से भी, तो ये बुद्ध आदित्य योग आपकी कुंडली में भी जरूर होगी इस तरह से। प्लस इस तरह से आपका एक बुद्ध लाइन जो कि बहुत अच्छे धन को बताती है, हीलिंग क्वालिटी को बताती है, प्लस यहाँ पे भी एक इस प्रकार से चीज का साइन का निर्माण हो रहा है, तो ये साइन आपको बता रही है आपके पास में लॉट्स ऑफ आइडियाज होंगे। ऐसे जातक के पास में बिजनेस माइंडेड होते हैं, काफी अच्छा बिजनेस स्किल होता है एक तरह से, इन लोगों के पास स्किल की कोई कमी नहीं होती। चलिए बाहरी मंगल, तो देखिए बाहरी मंगल आपका ठीक है, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। अंदरूनी मंगल, अंदरूनी मंगल आपका अच्छा है, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, बट बहुत सारी राहु रेखाएं चली गई है। एक राहु रेखा बिल्कुल यहाँ, ये एज हो गई आपकी 22 के अराउंड की एज, ठीक है। 22 के अराउंड आपके लाइफ में कुछ ऐसा मेजर इवेंट हुआ होगा जो कि आपके बिल्कुल शरीर को भी नुकसान पहुंचाया होगा, आपके मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाया जरूर होगा, इस तरह से एक राहु रेखा यहाँ काट दिया। उसके बाद फिर क्या है ना, देखिए यहाँ भी एक राहु रेखा इस तरह से काट दिया है, ठीक है, और उसके बाद इसके यहाँ पे द्वीप का फॉर्मेशन बन रहा है। तो थोड़ा सा आप निगेटिव मत होए, क्योंकि देखिए आपकी शनि पे भी मुझे इस तरह से दिख रही है और यहाँ भी दिख रही है, ये आपके 30 के राउंड का एज है। देखिए घबराइए मत, आपको हर चीज मिलेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं, आपको निगेटिव नहीं होना। कर्ज वर्ज, शरीर को नुकसान, पैसे के नुकसान की स्थिति जरूर बन रही है, ठीक है, यहाँ भी बन रही है, उसके बाद यहाँ भी राहु रेखा काट रखी है। चलिए वो तो मैं जब जीवन रेखा पे आऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, पहले अभी पर्वतों का विश्लेषण कर लेते हैं। तो आपकी अंदरूनी मंगल भी अच्छी है, बाहरी मंगल भी अच्छी है, साहसी पराक्रमी भी होंगे, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहता होगा। प्लस एक यहाँ से इस तरह से सपोर्टिंग लाइनें हैं, तो लाइफ में आने वाली दुर्घटनाएं से आपको ये लाइनें बचा देती होगी। बहुत सारी निगेटिव चीज आती होगी, बट ये लाइन आपको उस चीज से सेफ कर देती होगी। दिव्य रेखा है आपके पास, देवीय शक्ति प्राप्त होता है आपको, ऑलरेडी देवीय शक्ति यहाँ से भी प्राप्त है, 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 ये सब गॉड गिफ्टेड चीज होती है, गॉड का बहुत बड़ा कृपा होता है ऐसे जातक के पास में। चंद्रमा आपका अच्छा है, उभार लिए हुए, बहुत सारी लाइफ में यात्रा होती होगी, और यहाँ पे भी एक स्टार फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है, मैं मिटा देती हूँ, आप देख पाते हैं यहाँ पे स्टार का फॉर्मेशन बन रहा है। ये फीस है, देखिए इस प्रकार से, क्योंकि ये एक फीस का साइन है, ये चंद्र पर्वत पे फीस का साइन का मतलब ये होता है आपको लंबी यात्रा से होने वाले लाभ को दिखाता है। यानी लाइफ में आप जब जब लंबी यात्रा करेंगे,
समुद्र से पार की यात्रा करेंगे, यानी कि फॉरेन वगैरह का यात्रा करेंगे, अब्रॉड वगैरह जाने के चांसेस पूरे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, काफी अच्छा लाभ होगा। प्लस वेल मेंटेन में रहते हैं ऐसे जातक, ठीक है, बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं घूमने फिरने के। दूसरी साइन यहाँ पे इस तरह से, इस प्रकार से है, जो कि मंदिर का साइन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, मंदिर का साइन यहाँ पे। तो देखिए मंदिर का साइन जब हो तो ऐसे जातक धार्मिक तो होते ही हैं बहुत ज्यादा, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी एक मंदिर का भी ये लोग निर्माण कराते हैं, बस ईगो से थोड़ा आपको बचना है। दूसरी चीज स्टार का फॉर्मेशन है, तो कभी कभी आपके साथ ओवर थिंकिंग हो जाता, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना, लेकिन ये स्टार का साइन आपको लाभ भी देगा। लाभ कहाँ देगा, तो आपको फॉरेन वगैरह में से बहुत ज्यादा पैसा देगा, फॉरेन का यात्रा बहुत कराएगा, प्लस माँ का सुख देगा, दूसरा चीज बहुत असीम, बहुत बड़े लेवल का धन लाभ, एक तरह इंस्टेंट धन लाभ को दिखाता है, बहुत बड़े लेवल का इस चीज को दिखाता है। बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना। फॉर्मेशन तो बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं यहाँ पे, बट क्या है ना, एकदम से क्रॉस भी बन रहा है ना यहाँ पे, इसको क्रॉस नहीं बोलेंगे, स्टार ही बोलेंगे, बट बन रहा है ना, तो इतना बड़ा स्टार थोड़ा निगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी देता है, बस रात की नींद है आपको गाइड कर देगी, बहुत ज्यादा दिमाग में थिंकिंग, बेचैनी दे देगी, बस यही निगेटिव है। और आपको काफ़ी मात्रा में पैसा भी होगा, काफ़ी मात्रा में पैसा, और हमेशा अपने अपोजिट लिंक से आपको सहायता मिलता होगा, हमेशा आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगा। बर्थ प्लेस में है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, यदि आप बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं तो काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा। फॉरेन सेटलमेंट का भी योग है, फॉरेन में रहने का भी योग है, फॉरेन जाने आने का भी योग, प्रबल योग है। प्लस आपके शादी के बाद भाग्योदय का भी योग है। चलिए आपके केतु माउंट, तो केतु माउंट पे से भी इस तरह से लाइनें जा रही है, जो कि बुध बहुत अच्छे बिजनेस स्किल को बताता है, बहुत अच्छा है कि केतु आपका अच्छा है। केतु अच्छा होने का मतलब है आप में मंगल का बल भी है और गुरु का बुद्धि भी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी एक फीस का साइन, तो ये अच्छे धन को ही बताता है, बहुत अच्छे धन को, बहुत अच्छे फिजिकली आप अच्छे रहेंगे, प्लस धन बहुत अच्छा रहेगा, इस चीज को दिखाता है। देखिए शुक्र माउंट आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, शुक्र माउंट पे देखिए इतने सारे लाइन है, चिंताएं हैं, ठीक है, चिंताएं रेखाएं हैं कम है, इस तरह से इतना ज़्यादा है, और ये रेखा भी इसको इधर काट गई, ये 43 का एज हो गया, इसमें आप फिर निगेटिव होंगे। और उसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ भी रेखाएं काटी है, तो 43 45 के बाद आपके लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा, फिर अपना कर्ज वर्ष से मुक्त होके अच्छे से लाइफ जियेंगे, बहुत लॉन्ग लाइफ है, तो बहुत अच्छे से जियेंगे। बट क्या है ना, आपका शुक्र उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये एरिया भी मुझे थोड़ा सा दबा हुआ नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन ये आप देखें तो ये गोलाई दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ पार्टनर का सुख होना, भले आपको अपोजिट लिंग से बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है, बट आप शादी कर लेते हैं, शादी के बाद भी आपका भाग्योदय है, तो कहीं ना कहीं मुझे दाम्पत्य जीवन सही नहीं लग रहा है, ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, वो मैं आपसे बात करके कन्फर्म करूंगी, क्यों क्या रीजन है तो मैं बात करूंगी, फिर आपको कन्फर्म करूंगी। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मुझे कमी लग रहा है, बाकी आपका करियर वगैरह काफी अच्छा है, ब्राइट है। चलिए अब आपका राहु पर्वत देखते हैं, तो राहु पर्वत का एरिया ये हो गया आपका, राहु पर्वत देखिए इसमें ढूंढिए कौन सा अच्छा अच्छा साइन है आप में। तो सबसे पहला साइन ट्रायंगल, ऐसे ज्यादा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर होता है, एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, फॉरेन से तो लाभ होता ही होता है, मैं 100% बोल सकती हूँ, ऐसे जातो को विदेशी भूमि से, विदेश जाके विदेशी लैंड से बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बहुत पैसे आते हैं। प्लस यहाँ भी ट्रायंगल, माइंड लाइन पे ट्रायंगल, तो बहुत शार्प बुद्धि के, ये ऐसे जातक का दिमाग साइंटिस्ट रिसर्चेबल नेचर को बताता है, डॉक्टर वगैरह को, अच्छे डॉक्टर के हाथ में ये रेखाएं दिखती है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर के हाथों में इस तरह की रेखाएं दिखती है, यहाँ भी ट्रायंगल। उसके बाद मनी ट्रायंगल का तो बात ही मत छू, एकदम बिल्कुल पैक मनी ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, इतने सारे ट्रायंगल हथेली में हो तो ऐसे जातक का दिमाग का कहना ही नहीं, ऐसे जब तक अपने दिमाग से कितना पैसा अर्न करेंगे, बहुत ज्यादा, मिलीनियर बनने से इन लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। डॉक्टर के हाथ में इस तरह की रेखाएं मुझे देखने को मिलती हैं, तो आई थिंक आप पेशे से या तो डॉक्टर होंगे या फिर बहुत ज्यादा आप एक तरह से ग्लैमरस होंगे, किसी तरह का नेम फेम, या तो सिंगिंग क्वालिटी या डांसिंग या पेंटिंग, इस तरह की कोई जरूर आप में क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जरूर आप में होगी, स्पेशलिस्ट होते हैं ऐसे ज्यादा, किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट होते हैं। चलिए अब आपकी रेखाओं का वर्णन करते हैं, सबसे पहले आपके हार्ट लाइन,
क्योंकि आपके लव इमोशंस को बताता है प्लस आपके हार्ट ऑर्गेन को बताता है। तो आपका हार्ट लाइन बिल्कुल गुरु पर्वत से निकली हुई है। तो जब भी जातक का हार्ट लाइन गुरु पर्वत से निकलते हैं तो ऐसे जातक आदर्शवादी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको पार्टनर भी बिल्कुल चाहिए आदर्शवादी और अपने लेवल का पार्टनर चाहिए। बाकी आपका लव इमोशन सब बहुत अच्छा है। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक रेखा इस तरह से दी गई है जो कि आपके नेचर अग्रेशन को बताता है। काफ़ी गुस्सा आना, गुस्से में अपना नुकसान कर लेना, इस चीज़ को दिखाता है। अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आपको हो जाता होगा जो कि इस और अभी जा रहा है और लाइफ आने वाले समय में ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इस एज में निकल रहा है। तो ये हो गया आपको 40 के बाद का एज। तो इस एज में और आपको एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता जाएगा। प्लस आप देखें तो देखिए इस प्रकार से एम शेप भी बन रहा है ना, इस प्रकार से एम भी बन रहा है। तो ये एम भी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये एम आपको देगा इस प्रकार से लाभ, धन की बहुत अच्छी स्थिति होगी, धन काफ़ी रहेगा। प्लस आप यहाँ पे भी देखें तो एक मंदिर का साइन है आपको, तो ये मंदिर का साइन। तो ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, बहुत ज़्यादा दयावान होते हैं, लोगों को देख कर दया आ जाना, उनको दान पुण्य करना और लाइफ में एक ना एक मंदिर का निर्माण जरूर कराते हैं ऐसे जातक, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखें तो इस तरह से फिश का साइन का भी निर्माण हो रहा है। तो ये काफ़ी धन आपके पास में, धन की तो कोई कमी होगी नहीं, आई थिंक कभी कोई कमी होगी ही नहीं। भले आपका आज आप प्रॉब्लम में होंगे, बहुत सारे अप डाउन्स आए होंगे लाइफ में, आ रहे होंगे, आएंगे भी 43 तक, उसके बाद आपके लाइफ में कुछ भी नहीं, बहुत निगेटिव वे में कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ पॉजिटिव वे में होगा। हाँ चलिए अब आपकी हार्ट लाइन पे आते हैं। तो देखिए हार्ट लाइन आपका बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इमोशनली भी अच्छे रहेंगे स्ट्रांगली और आपका हार्ट ऑर्गेन भी अच्छा रहेगा। एक लाइन इधर को गई है, एक लाइन यहाँ से गई है। तो इमोशंस, लव इमोशंस के कारण आपको नेम फेम मिलना, हो सकता है कोई पार्टनर आपको मिले जिसके कारण आपको बहुत अच्छा नेम फेम मिल सकता है, इस चीज़ को भी दिखाता है। लेकिन आप शादी करेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से शादी उतना अच्छा नहीं है, बट आप ऐसे अगर किसी से हेल्प चाह रहे हैं, किसी पार्टनर को दोस्त बना के, तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। प्लस ये लाइन इस तरह से जा रही है, तो हमेशा आप अपने सोचते हैं, अपने दिमाग का करते हैं, थोड़ा सा दिल का कम सुनते हैं, दिमाग का ज़्यादा सुनते हैं आप। आध्यात्मिक तो है ही, प्लस इधर से लाइन जा रही है तो ये आध्यात्मिक, एक ट्राइंगल भी बन रहा है इस प्रकार से यहाँ पे। तो ऐसे जातक को देखा गया है, पैसे तो लाइफ में बहुत कमाते हैं लेकिन एक टाइम के बाद सारे पैसे दान करके बिल्कुल संन्यास बन जाना, अपना जीवन की खोज में आगे निकल जाना, इस चीज़ को बताता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए अकेले रहना, इस चीज़ को बताता है। चलिए अब आपकी माइंड लाइन देखिए, आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक इस तरह से फिश की ही साइन बन रही है, तो ये 21 के एज से ही 22, 28 बहुत कम एज से, इवन बहुत कम एज से आप अपना डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। और बहुत अच्छा फीस का साइन, तो बहुत अच्छे अपने माइंड से पैसे को गेन करना ही बताता है, अपने ज्ञान से पैसे को गेन करना इस प्रकार से। तो माइंड लाइन आपका बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल लास्ट तक गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलने वाले इंसान। ऐसे इंसान थोड़ा कम इमोशन, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकली काम करना इन्हें पसंद आता होगा। तो ये चीज़ है इनका। प्लस तीव्र बुद्धि तो होगा ही, आपका कुशार बुद्धि होगा, हाईली एजुकेशन को बताता है अगर इतने बड़े माइंड लाइन हो तो, रिसर्चेबल नेचर को बताता है, तर्क वितर्क के साथ कोई चीज़ को विश्वास करने को बताता है। और आपकी हल्की सी जुड़ी हुई है तो थोड़ा परिवार के बारे में भी सोचते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बाकी कॉन्फिडेंट बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट नेचर को बताता है। आइए जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा में मैं इन शॉर्ट आपको पूरा डिटेल में भी बताऊँ तो देखिए, यहाँ पे आपको बचपन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके बाद फिर बचपन हो गया उसका 28 के अराउंड फिर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर 30 के अराउंड आपको प्रॉब्लम होगा या फिर हुआ होगा, अभी एज आपका मैंने देखा नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉब्लम अप्स डाउन, उसके बाद सारा कुछ सही चला, 34 के बाद सारा कुछ सही चलेगा, बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी करोगे। देखो आप एक तरह से इस तरह से लाइनें जा रही हैं, प्रोग्रेसिव लाइनें बिल्कुल सनी माउंट पे चली गई है। तो बहुत अच्छा धन करके एक बिजनेस आपने सेट कर लेना है, आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर आपको ये हो गया 50 के अराउंड का एज, यहाँ पे फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, कर्ज लेके आगे बढ़ने को दिखाता है, पैसे की नुकसान नहीं होगी लेकिन कर्ज आप लेके आगे बढ़ोगे ही, ठीक है, लोन वगैरह। उसके बाद फिर आपकी लाइफ लाइन बहुत अच्छी, उसके बाद एक रेखा है बिल्कुल यहाँ से गई है और मनी ट्राइंगल इतना क्लियर कट मनी ट्राइंगल बना लिया। तो फिर आपका भाग्योदय 44 के बाद आप जो ग्रोथ करोगे उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा पैसे को अर्न करना है आपको, बहुत अच्छा हाथ है आपका। प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक इस तरह से लोटस टाइप में साइन बन रहा है, ये आपके जीवन को हमेशा रक्षा करेगा,
ये बहुत अच्छे, माँ लक्ष्मी का कृपा आपके हथेली पे है, तो ये सब साइन है, बहुत अच्छी साइन है। तो आपका जीवन रेखा अच्छा है, बस यहाँ आप 40 के अराउंड के एज लगा लीजिए, वहाँ तक आपको अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे, उसके बाद लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब आइए आपका भाग्य रेखा, देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत से निकल के गई है और यहाँ गई, उसके बाद फिर यहाँ पे आई, इतने सारे भाग्य रेखा बिल्कुल यहाँ पे गई क्योंकि दूसरी जगह से निकली, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये भाग्य रेखा, ठीक है, और जीवन रेखा से भी निकल के इस प्रकार से भाग्य रेखा को टच करना इस प्रकार से। तो देखिए इतने सारे भाग्य का साथ मिला, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ घर वाले का सपोर्ट आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन बाहरी व्यक्ति से जिसको आप जानते नहीं हो उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता होगा। जानते नहीं इंसेंस की बस हाँ हेलो होता है, वो लोग आपको हेल्प कर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैं अच्छे से बोल सकती हूँ आपका अगर सक्सेस अभी तक आप अपने बर्थ प्लेस पे हो तो आपको प्रॉब्लम है, जिस दिन अपने बर्थ प्लेस को छोड़ोगे, जिस दिन फॉरेन वगैरह जाओगे उस दिन आपका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, बहुत बड़ा वाला सक्सेस आपको मिलेगा। अब फॉरेन के लैंड से आपको बहुत अच्छे धन के योग को भी बताता है ये रेखाएं सारी, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को एक साथ बहुत सारे काम को दिखाता है, ठीक है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखाता है। एक बिजनेस तो आप अपने फैमिली का बिजनेस हो या किस तरह का बिजनेस हो आप सेट करने का कोशिश करोगे, उतार चढ़ाव के साथ वो बिजनेस तो आप सेट कर लोगे, बट आपको जो अपने से खुद से बाहरी बिजनेस करके इस तरह से सेट करना है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद मैं एक चीज़ देखूँ तो बिल्कुल यहाँ पे भी आपका एक तरह से वर्ग का साइन बन रहा है, तो ये भी आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। हाँ लेकिन 40 तक मैं अच्छे से बोल सकती हूँ बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहेंगे लाइफ में, बट उसके बाद सब कुछ सही चलना शुरू हो जाएगा। देखिए आपकी हथेली में सबसे प्लस पॉइंट मैं बता दूँ, सबसे पहले तो प्लस पॉइंट एक ये है, ये आपका साइन, दूसरा रिंग ऑफ सोलोमन है ये प्लस, ये फीस का साइन, ये फीस का साइन ये प्लस पॉइंट है, ये फीस का साइन यहाँ पे प्लस पॉइंट है, इतनी बड़ी रेखाएँ और यहाँ पे भी एक फीस का साइन है इस माउंट पे भी, तो ये आपको बिजनेस स्किल को बढ़ाता है। ये फीस का साइन भले पैसा नहीं दे बट ये आपको बिजनेस स्किल देगा, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को देखेगा। प्लस इतने बड़े मनी ट्रायंगल, ये प्लस पॉइंट आपके हथेली में, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये प्लस पॉइंट, यहाँ पे मंदिर ये प्लस पॉइंट, यहाँ पे मंदिर ये प्लस पॉइंट, यहाँ पे फीस ये प्लस पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेसिव लाइन ये प्लस पॉइंट। देखिए हथेली में इतने सारे आपके प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट भी देख लीजिए, नेगेटिव चीज़, ये लाइनें यहाँ जा रही है ये नेगेटिव है आपका, और उसके बाद फिर ये इतने सारी रेखाएं राहु रेखाएं काट रही है यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव थॉट्स बहुत अंदर में आ रहे होंगे अभी कि अब कुछ नहीं लाइफ में रहा, अब तो मेरा लाइफ बेकार है, लेकिन ऐसा ना सोचें, आपका लाइफ बहुत अच्छा है, बस अभी स्ट्रगल का दौर है, उसके बाद आपका लाइफ काफ़ी अच्छा स्मूथ रहेगा। तो आई थिंक मैंने आपके हाथों का पूरा विश्लेषण कर दिया, इसके बाद यदि कोई रेखाएं कोई चिन्ह वगैरह रह गई होंगी तो आप मेरे से पूछ सकती हैं। नमस्कार।